कृष्णा है मेरे साथ चंडीगढ़ से। यस सर, बताओ भाई कृष्णा जी क्या हाल चाल। हाँ जी कृष्ण जी सर, गुड आफ्टर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स है। हाँ। तो मैंने पहले भी लिए थे एक्चुअली 44 के आसपास, तो मैंने सेल कर दिए थे, दोबारा बाय किया अराउंड 80। सो अभी मेरा ये क्वेश्चन ये है सर कि मेरे को अभी होल्ड करना चाहिए या मेरे को किसी और बैंक में जहाँ मेरे को गेन मिल रहा है ऐसे में स्विच ओवर कर लेना चाहिए जहाँ शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेड हो। शॉर्ट टर्म मतलब कितने दिन सर? मतलब वैसे तो लॉन्ग टर्म इसको भी होल्ड कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि जो मेरे को जल्दी से बेटर गेन दे सकता है तो मैं उस पर स्विच ओवर करूँ या इसको होल्ड रखूँ, बेसिक क्वेश्चन मेरे से। होल्ड करने में कोई इशू नहीं है? होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है राजेश जी, लेकिन IDFC बैंक पैसा बना के दे तो कंडीशन अप्लाई, नहीं बना रहा तो निकल के दूसरे में जाए किसी में, IDFC बैंक में बताइए क्या करें। नीरज जी देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत नेचुरल है, सबकी यही इच्छा होती है कि मैंने लिया और बस वो भाग गया और मुझे पैसा मिला। लेकिन IDFC फर्स्ट और IDFC बैंक, अगर आप दोनों का चार्ट देखें तो ये एक रेंज में है। अगर IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये मुझे लगता है 75 और 80 ये इसका सपोर्ट जोन है, तो पोजिशनली आपका स्टॉप लॉस 75 के नीचे होना चाहिए। और सामने मुझे लगता है अगर इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करता है, सस्टेन होता है, देखिए इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद तुरंत तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होती है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 84-85 का। ये 84-85 का अगर रेजिस्टेंस जोन IDFC फर्स्ट बैंक निकाले फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे 100 तक की एक बड़ी रैली मिल सकती है, लेकिन इसको निकालना चाहिए, तब जाके ये बाय कॉल ट्रिगर होगा, तब जाके हम चार्ट पे बोले कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो फिलहाल ये एंटीसिपेशन है कि ये लेवल अच्छा है एट दिस लेवल ऑफ 75 एंड 80, आई थिंक दिस इज नॉट एन एग्जिट, सो यू हैव टू होल्ड विद अ स्टॉप लॉस बिलो 75। 84-85 के ऊपर चला जाता है फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, अदरवाइज 84-85 के आसपास थोड़ी पोजीशन आप यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ करिए, क्योंकि ये रेंज है, छोटी सी रेंज है। तो इससे अच्छा कोई बताओ ना, मैं क्यों 5 रुपए के लिए रेंज बनानी है? देखिए अगर आप वैसे अगर आप देखा जाए तो छोटे मझोले बैंक्स में मुझे जो पर्टिकुलरली अच्छा लगता है वो है फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक। ये देखिए ये बैंक्स में ना हमेशा आप देखें कि एक करेक्शन के बाद अच्छी रैली आती है और नया हाई बनाने की कोशिश होती है। तो अगर आप इन पर्टिकुलरली यहाँ पे इस लेवल पे बात करें तो सिटी यूनियन बैंक 168-169 है, अगर आपको थोड़ा हल्का मिलता है, थोड़े सस्ते में मिलता है तो ज्यादा अच्छा होगा। इवेंचुअली मुझे लगता है नीरज जी ये 200 के पास चला जाएगा, तो सिटी यूनियन बैंक मुझे लुक्स बेटर टू मी रादर देन IDFC। तो भाई कृष्ण जी आपके लिए सलाह ये है कि IDFC से निकल के सिटी यूनियन में जाइए, उधर ज़्यादा गए, इधर तो 4-5 रुपए है, फिर उसके ऊपर जाए कि नहीं जाए पता नहीं, क्या इतना कन्फ्यूजन है, मेक इट सिंप